सब्सक्राइब कीजिए आई कमत यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पानी के बिजनेस के बारे में। पानी का बिजनेस कर कर लगभग महीना 1 लाख रुपए हमारे दो शंभू रेंडे कमा रहे हैं। तो आज हम इस बिजनेस के बारे में उनसे अधिक जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि अपने बिजनेस की आइडिया कैसे है। बिजनेस की आइडिया मतलब मेरा जो बोर है वो उस बोर को 4 से 4.5 इंच पानी लगा था। उस पानी का मतलब खेती में पानी यूज करके जितना पानी बचता है वो पानी ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए ये प्लांट डाल के वो पानी का यूज इस प्लांट में कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बिजनेस के बारे में थोड़ा आप हमें डिटेल में बताओ, पानी कैसे फिल्टर होता है तो बताइए हमें विस्तार। बोर का पानी इस काले सिंटेक्स में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आता है। इस काले सिंटेक्स से ये टिल्लू मोटर के जरिए से ये पानी इस सैंड फिल्टर में जाएगा। इस सैंड फिल्टर में जाएगा। हाँ, ये सैंड फिल्टर है। अच्छा, इस सैंड फिल्टर के बाद ये पानी एक कार्बन फिल्टर में जाएगा। अच्छा, ये कार्बन फिल्टर है। अच्छा, कार्बन फिल्टर में फिल्टर होने के बाद ये पानी इस फिल्टर में आ जाएगा। अच्छा, ये पहला फिल्टर है। अच्छा, अपना ये आरओ है। इस आरओ को दो फिल्टर है। अच्छा, ये पहला फिल्टर है, ये दूसरा फिल्टर है। अच्छा, ये दूसरे में फिल्टर होने के बाद पानी जो है वो इस मोटर में आ जाएगा। इस मोटर से मेम्ब्रोन में जाएगा। हाँ, ये मेम्ब्रोन में फिल्टर होने के बाद वेस्टेज पानी बाहर जाएगा, और जो फिल्टर हुआ वाला पानी है वो पानी इस स्टोरेज में आएगा। स्टोरेज में आएगा। तो इसका प्राइस कितना है स्टोरेज का? ये 2-2 हजार लीटर के स्टोरेज है। अच्छा, ये 20 हजार रुपए में ये दो सिंटेक्स मुझे मिले। अच्छा, तो इस मशीन का सेटअप का प्राइस कितना है? इस मशीन ये टोटल मशीन का सेटअप मुझे 1.5 लाख रुपए में मिला है। तो इस मशीन का सेटअप 1.5 लाख रुपए मिला है। तो इसमें लिक्विड कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये लिक्विड जो है, अच्छा, ये न्यू मोर एक्वा फोर केयर बोल के लिक्विड है। ये लिक्विड आरओ को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं। हाँ, और इस सिंटेक्स में से यहाँ से पानी कहाँ जाता है फिर? ये अपना स्टोरेज है। अच्छा, फिल्टर किया वाला पानी यहाँ पे अपन स्टोर करते हैं। हाँ, अच्छा, ये स्टोरेज बाद में ये पाइप से होकर अच्छा, चिलर में चला जाएगा। इस चिलर मशीन में जाएगा। तो अब हमें बताइए इस चिलर मशीन के बारे में। ये 5 टन का चिलर है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी 1 घंटे में 1000 लीटर पानी ठंडा कर देता है। अपने को जिस डिग्री में पानी चाहिए वो डिग्री में ये पानी हमें दे देता है। अच्छा, फिल्टर हुआ वाला पानी इस पाइप के जरिए से इस चिलर में आ जाएगा। अच्छा, और ये चिलर इस चिलर में से हम उसे यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। स्टोर कर देता है। अगर लाइट गई या कुछ प्रॉब्लम हुआ या फेस गया तो ये इस स्टोरेज से हम ग्राहकों को एमरजेंसी में पानी दे सकते। तो यहाँ से पानी कहाँ जाता है आपका? यहाँ से पानी बाहर हम एक्वा जार में कूलिंग जार भर देते हैं। बाहर कूलिंग जार भर देते। तो अभी आपके पास कितने जार हैं? मेरे पास 550 कूलिंग जार है। अच्छा, और नॉर्मल जार? नॉर्मल जार है 500। तो आपको ये जो जार है तो कितने रुपये में मिला? ये कूलिंग जार जो है वो मुझे 420 रुपये मिला। ये जार 400 रुपये में मिला है और आपके पास लगभग 500 जार है एंड लगभग इसके लिए 2.5 लाख रुपये लगेंगे दोस्तों। और ये नॉर्मल जार कितने का है? ये नॉर्मल जार 110 रुपये में एक आएगा आपको। आएगा, अच्छा, ठीक है। तो यह जार आप कहाँ बेचते हैं? मार्केट में। अच्छा, मार्केट में, दुकानों में, बैंकों में, दवाखानों में और घरों में। अच्छा, तो इसका रेट कितना है, कितने बेचते हैं? ये 20 रुपये में एक जार डिलीवरी के साथ हम दे देते हैं। 20 रुपये में एक जार। कितने कनेक्शन है आपके? मेरे 400 कनेक्शन है। 400 कनेक्शन, तो लगभग एक जार 20 रुपये में आप बेच रहे हो। तो दिन का लगभग आप 8000 रुपये का पानी का बिजनेस कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में कितना मुनाफा मिलता है? अभी कैसा है, ट्रैवलिंग का खर्चा, अच्छा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मजदूर का खर्चा, लाइट बिल है। अच्छा, अपना यहाँ पे जो कुछ मतलब वो लिक्विड का, अच्छा, मशीन का, तो 50% तो प्रॉफिट है। हाँ, 100% 50% या उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा आपको मुनाफा मिल रहा है। दिन के आप 4000 आसानी से कमा रहे हैं, यानी दोस्तों लगभग महीने के लगभग 1,20,000 आसानी से कमा रहे हैं। और आप यह बिजनेस शुरू कर आप भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। और इनसे और इस बिजनेस के बारे में जानकारी लेते हैं कि आपके पास अभी कितने मजदूर हैं?
मेरे पास दो मजदूर हैं तो उनको तनख्वाह कितनी है? एक एक को 5-5 हज़ार। तो इस पानी की सप्लाई के लिए आपके पास कोई गाड़ी है? हाँ जी गाड़ी है। कौन सी? टाटा एस। उसको भी दिखाइए जरा। इधर लगभग इसका कट करा तुम शॉपर का स्टॉप हिसाब कोई ₹10,000 का। तो दोस्तों इस बिजनेस के लिए इन्होंने पानी सप्लाई के लिए टाटा एस गाड़ी ली है। लगभग इसका प्राइस कितना है? ये ऑन रोड 4 लाख में पड़ा है। अच्छा तो फिर इसी से आप पानी सप्लाई कर? पानी सप्लाई कर। इसके लिए कोई ड्राइवर रखा है? आप खुद ही करते? मैं खुद ही चलाता हूँ। आप खुद ही चलाते हैं इसलिए अलग से तनख्वाह देनी नहीं पड़ेगी। आपने इस एक्वा प्लांट का नाम प्रांजलि क्यों रखा? एक्चुअली ये पानी का प्लांट है। अच्छा। और पानी का प्लांट है तो थोड़ा जल पानी ऐसा मैच होने का नाम इसको रखना चाहता था। और उसी के साथ मेरी छोटी बच्ची का नाम प्रांजल है। अच्छा। तो मैंने ये प्लांट का नाम प्रांजल ही रखा। इनके लड़के के नाम पर ही एक्वा प्लांट का नाम प्रांजल रख दिया है। तो सबसे आखिर में दोस्तों इनसे पूछते हैं कि इस बिजनेस के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो बताइए कि इस बिजनेस के लिए टोटल खर्चा कितना होगा? मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करने को टोटल 8 लाख रुपए लगे हैं। तो अगर नया कोई ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या करें? जी हाँ, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन पैसे भी मिल सकते हैं। और कोई अगर दूसरा स्टार्ट करना चाहेगा तो उसके लिए अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों जैसा कि सुना आपने शंभु रेड्डी जी, लगभग महीना दिन के 4,000 रुपये लगभग महीना 1,20,000 रुपये आसानी से कमा रहे हैं। तो आप यह बिजनेस शुरू कर महीना अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आड़े के साथ। तब तक दे